लेकिन इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे हैं आप विधायक सीआर पाटिल के आवास पर पहुंचे हैं आप विधायक। केंद्र सरकार को अभिभावक का रोल निभाना चाहिए। दिलीप पांडे कह रहे हैं इंटर स्टेट रिलेशन में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब देखिए आप दिल्ली की सरकार इस वक्त केंद्र का हस्तक्षेप मांग रही है कि जो इस वक्त हालात है उसमें केंद्र मदद का हाथ बढ़ाए। इंटर स्टेट रिलेशन में केंद्र को मदद करनी चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं, सीआर पाटिल के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं आप विधायक। केंद्र सरकार को अभिभावक का रोल निभाना चाहिए और इंटर स्टेट रिलेशन में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है कि जनता के हकों पर डाका हरियाणा से ही डल रहा है। हालांकि अब तमाम अभी तक बयानबाजी के बीच में एक हकीकत यह है कि जनता की प्यास नहीं बुझ पा रही है, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। चाहे मुनक नहर की बात हो, चाहे वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, सब जगह पर सूखापन इस वक्त नजर आ रहा है। और अगर यही मंजर रहा तो फिर दिल्ली वाले और ज्यादा त्राहिमाम त्राहिमाम करते नजर आएंगे। गौरव की तरफ रुख करते हैं। गौरव, सीआर पाटिल के आवास पर पहुंच चुके आम आदमी पार्टी विधायक। के संदेश इसलिए दिए जाते हैं ताकि आम जनता को ये लगे कि जो बातचीत है उनके समस्याओं को जो अपने काम में इतनी व्यस्त है भ्रष्टाचार करने में कि ना उन्हें कोविड की फिक्र होती है, ना बाढ़ की फिक्र होती है, ना आज दिल्ली की इस गर्मी में उन्हें दिल्ली की जनता की पानी की फिक्र हुई है। दिल्ली में पानी की आवश्यकता 1056 MGD प्रतिदिन है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, अगर हम मात्रा में देखें तो दिल्ली में इस पानी में मात्र 0.5 से 7% पानी की कमी है। मात्र 0.5 से 7%। ये पानी की कमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है, जितनी कि दिल्ली में पानी की कमी इस समय हमें झेलनी पड़ रही है, दिल्ली की जनता जिससे त्रस्त है। ये पानी की कमी इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि जगह जगह दिल्ली जल बोर्ड के पाइप टूटे हुए हैं, उनके अंदर लीकेज है, मुनक नहर